तो लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि सूत गोस्वामी समझा रहे हैं कि भगवान को कैसे, भगवान के क्या गुण हैं और उसको कैसे समझा जा सकता है। और फिर नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं वो श्रीमद् भागवतम के विषय में पूछते हैं, और 39 नंबर श्लोक में, और 40 नंबर श्लोक से सूत गोस्वामी ग्लोरीज बताते हैं श्रीमद् भागवतम की। 40, 41, 42, 43, 44 ये 5 श्लोकों के अंदर श्रीमद् भागवतम का गुणगान किया है सूत गोस्वामी ने। और फिर चौथे अध्याय से ये सूत, ये नैमिषारण्य ऋषि लोग पूछेंगे कि भागवतम कैसे आया, उसका फिर पूरा स्टोरी बताते हैं। और नारद मुनि कैसे उनको इंस्पायर करते हैं व्यास देव को, और व्यास देव लिखते हैं, और फिर परीक्षित महाराज का एपिसोड आता है, और पूरा वो फिर आगे इसमें एक्सप्लेन होता है 1st कैंटो के अंदर। तो हम लोग लेते हैं 40 नंबर श्लोक। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि निःश्रेयस्य सास्य लोकस्य धन्यं स्वस्ति अयनं महत्। तो श्लोक में बता रहे हैं इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम, कि ये श्रीमद् भागवतम जो है ब्रह्म संहितम है। ब्रह्म संहितम शब्द यूज किया है मतलब कि भगवान कृष्ण का अवतार है ये ना। ये भागवत नाम का जो पुराण है ये ब्रह्म संहितम है, भगवान कृष्ण का अवतार है। उत्तम श्लोक चरितम, उत्तम श्लोक चरितम मतलब उत्तम श्लोक, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। सो उत्तम श्लोक मतलब क्या, कि जिसको बहुत ही हाई क्वालिटी संस्कृत के श्लोकों के साथ गुणगान किया जाता है, जिस व्यक्ति को उत्तम श्लोक मतलब बेस्ट ऑफ द श्लोका से जिसको गुणगान किया जाता है, तो कृष्णा का एक नाम है उत्तम श्लोक। तो उत्तम श्लोक चरितम, तो इसके अंदर भगवान कृष्ण की सारी कथाएं है, उनके चरित्र कार्यकलाप के विषय में। चकार भगवान ऋषि, चकार भगवान ऋषि मतलब ऋषि, चकार मतलब कंपाइल करना, चकार तो किसने कंपाइल किया है, भगवान ऋषि। भगवान ऋषि शब्द किसके लिए है, व्यास देव के लिए। व्यास देव भगवान कृष्ण के अवतार है, तो भगवान और ऋषि भी है व्यास देव, तो चकार भगवान ऋषि। निःश्रेयस्यास्य लोकस्य, क्यों लिखा है उन्होंने निःश्रेयस्यास्य लोकस्य, लोकों के भले के लिए, फॉर ऑल गुड, इट इज मेड फॉर अल्टीमेट ऑल गुड के लिए। और क्या बेनिफिट है लोगों के लिए, और भागवतम के क्या 3 बताए, धन्यम, धन्य मतलब पूर्ण रूप से वो सफलता प्राप्त करवाएगा, ऑल सक्सेसफुल। फिर स्वस्ति अयनम, स्वस्ति अयनम मतलब ऑल ब्लिसफुल, मतलब सर्व आनंदमय है ये ग्रंथ। और महत मतलब ऑल परफेक्ट, परिपूर्ण है। तो इस तरह से ये पूरा श्लोक का मतलब है। तो अनुवाद इस प्रकार से है, ये श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है, और यह सभी तरह से सफल आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तो ये श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है, लिटररी इनकारनेशन ऑफ गॉड। और तो परपोट में प्रभुपाद बहुत ही सुंदर सुंदर पॉइंट्स बता दें। तो उससे पहले हम थोड़ा श्लोक पे और मेडिटेट करते हैं कि व्यास देव ने इसको कंपाइल किया है जो भगवान के अवतार है, और क्यों कंपाइल किया है, लोगों के भले के लिए, और ये श्रीमद् भागवतम सबको पूरी सफलता प्रदान करेगा, ये पूरा आनंदमय वाला ग्रंथ है और परिपूर्ण है, ऑल परफेक्ट।
सुप्रीम परफेक्ट। सो चैतन्य महाप्रभु अपना पूरा लाइफ श्रीमद् भागवतम के प्रिंसिपल्स पर जीते थे। सो डिवोटी जो होता है वो कैसे अपना लाइफ जीता है भागवतम के सिद्धांत के ऊपर, ये हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र से समझ सकते हैं। इसलिए अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो लगभग 30-40% चैतन्य चरितामृत के अंदर श्रीमद् भागवतम के ही श्लोक हैं, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कोई भी पास टाइम करते थे, किसी से भी कुछ बात करते थे, तो हमेशा श्रीमद् भागवतम को कोट करते थे। सो इसलिए फर्स्ट लाइन परपोट की लिखते हैं प्रभुपाद की, ये जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो स्पॉटलेस ग्रंथ है, अमल पुराण है, उसमें कोई स्पॉट नहीं है। तो परपोट में एक चीज लिखते हैं प्रभुपाद कि हमें श्रीमद् भागवत की पूजा उसी समान सम्मान से करना चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। तो कितना हमें कॉन्शियसली इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, कि कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है। अभी भी हम बुक खोलते हैं तो हमें लगता है हाँ ये पीपीटी ने छापी है और ये प्रिंट अच्छा है और पेज अच्छा है तो चलो पढ़ते हैं, और मेरे को हर रोज आधा घंटा 1 घंटा पढ़ना है। नहीं, एक्चुअली इसकी रिस्पेक्ट जिस तरह हम भगवान की करते हैं, सो भगवान की आप कैसे, जैसे स्वयं भगवान अगर आए आपके सामने तो कैसे आप उनके साथ आदान प्रदान व्यवहार करेंगे, सेम ऐसा श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है, पहले ये कॉन्शियसनेस हमें डेवलप करनी होगी। इसके ये भागवतम के शुरुआत में ही ये बताया गया है कि ये भगवान का ही अवतार है, इसको हमें बहुत सीरियसली स्टडी करना चाहिए। फिर लिखते हैं हमें इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सो पेशेंटली और केयरफुली हमें श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है, और आगे और भी एक चीज बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम को हमें किसी बोनाफाइड गुरु के थ्रू हमें पढ़ना चाहिए। उसके यही पॉइंट रिपीट होते हैं आगे के श्लोका में भी, प्रभुपाद परपोट में लिखते हैं कि हमेशा बोनाफाइड डिवोटी, बोनाफाइड परंपरा से जो आते हैं उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के मुख के द्वारा हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए और सुनना, तभी ये भागवतम इफेक्ट लाता है ऑडियंस के अंदर। एंड एक लास्ट ये पॉइंट बहुत अच्छा लिखते हैं कि भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। यह भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। जो बेनिफिट आपको कृष्णा के डायरेक्ट संग से प्राप्त होगा, मतलब फॉर एग्जांपल अभी कृष्णा प्रकट हो गए, आप उनका संग ले रहे हैं, और जो आपके अंदर फीलिंग्स और एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा वो सेम आपको मिल सकता है अगर आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे ध्यान से, बोनाफाइड सोर्स से, सेम वो बेनिफिट, वो एक्सपीरियंस सेम रहेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवतम और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है। तो ये पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कृष्णा लिखते हैं। अभी कैसे कृष्णा भी क्या करते हैं कि कृष्णा एक व्यक्ति है, कृष्णा के भी अपने एक चॉइसेस हैं, उनके भी कुछ लाइक्स हैं, हर व्यक्ति के साथ अलग अलग डील करते हैं, है ना। भगवत गीता में खुद बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सति वा भजाम्यहम, चैप्टर 9। तो जिस हर अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग प्रकार का आदान प्रदान करते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवतम भी सेम ऐसा है, कृष्णा से अभिन्न है ना। रीडर श्रीमद् भागवतम को पढ़ने वाले लोग जिस चेतना से पढ़ते हैं वैसा श्रीमद् भागवतम संदेश उस व्यक्ति को देता है। जैसे कृष्णा अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग तरीके से डील करते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवतम अलग अलग रीडर्स के साथ अलग अलग तरीके से डील करता है और उनको वैसा रियलाइजेशन देता है। ये कोई ऐसा कोई साधारण कोई मटेरियल बुक नहीं है कि कोई भी पढ़ेगा तो उसको सेम नॉलेज मिलेगा। जो ज्यादा अनुभवी भक्त है
उसको श्रीमद् भागवतम पढ़ने से थोड़ा और गहराइयों का रियलाइजेशन मिलेगा, क्लास में डाल के और गहराइयों से उसको आंसर मिलेगा। बट कोई नया भक्त है या एवरेज भक्त है, उसको शायद हो सकता है उतना डीप रियलाइजेशन नहीं मिले। सो कृष्णा जैसे डील करते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत अपने डिवोटीज के साथ डील करता है। सो इस एक डिवोटी बता रहे थे कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं सुबह सुबह, मॉर्निंग फ्रेश एयर, तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे ये श्रीमद् भागवतम को अगर हम डेली इसके ध्वनि का श्रवण करेंगे तो वो हमारे आत्मा के लिए बहुत हेल्दी होगा। जैसे फ्रेश एयर हमारे बॉडी के लिए हेल्दी है, ऐसे श्रीमद् भागवतम का श्रवण, उसके साउंड वाइब्रेशन हमारे सोल के लिए हेल्दी रहता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में सभी समस्याओं का समाधान है, प्रोवाइडेड आप उसको सही तरह से पढ़ते हैं, प्रॉपर वे से पढ़ते हैं, प्रॉपर सोर्स से सुन रहे हैं, इस तरह से। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तदिदं ग्रायाम आस सूतम आत्मवताम वरम सर्ववेदेतिहासानं सारम सारम समुद्धृतम्। सो ये श्लोक को अनुवाद पढ़ सकते हैं अपने से? सेकंड, यस ब्रो, अभी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक वाड़म्य तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकाल कर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। सो यहाँ पे सूत गोस्वामी हिस्ट्री बता रहे हैं कि व्यास देव ने ये जो श्रीमद् भागवतम में अपने पुत्र को दिया, कैसे सारा सार, सारे वेदों का सार एक्सट्रैक्ट करके। तो सो श्रीमद् भागवतम सारे वेदों का सार है, और प्रभुपाद परबोट में लिखते हैं कि जो जितने वेद हैं वो दूध के सागर के समान है, और दूध का जो मिल्क होता है उसका इसेंस क्या है, उसकी मलाई या बोल सकते हैं बटर या क्रीम, ये इसेंस है पूरे मिल्क का, और वो बहुत टेस्टी होता है। ऐसे श्रीमद् भागवतम सारे जो वेद हैं उसका पूरा सार है, इसेंस है, और वो इतना टेस्टी है, इतना पैलेटेबल और एकदम नरिशिंग है। इस प्रोपा लिखते हैं श्रीमद् भागवतम कंटेन्स ऑल पैलेटेबल इंस्ट्रक्टिव एंड ऑथेंटिक वर्जन्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। सो शुरुआत में परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है उसके अंदर कोई इमेजिनेशनरी इमेजिनरी स्टोरीज नहीं लिखी है व्यास देव ने। अलग अलग प्लैनेट्स पे क्या चीजें हुई हैं वो एपिसोड इसके अंदर लिखे हैं, अलग दूसरे ग्रहों में या दूसरे ब्रह्मांड में क्या हुआ है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसलिए कई बार हम रिलेट नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। जैसे फोर्थ कैंटो में, फिफ्थ कैंटो में स्वर्ग का वर्णन है और ब्रह्मांड का वर्णन है, और स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी ने कैसे क्रिएट किया ये सब वर्णन है, तो दूसरे ग्रहों की भी डिटेलिंग्स इसके अंदर है, तो वो इमेजिनरी नहीं है, वो व्यास देव ने एकदम एक्यूरेटली अलग अलग सोर्स से लेके इसको कंपाइल किया है। और सुखदेव गोस्वामी जो उनके पुत्र थे उनको ये बताया है। और फिर लिखते हैं परपोट में आगे कि श्रीमद् भागवतम को हमें डिवोटी के मुख से सुनना चाहिए, अवैष्णव के मुख से नहीं सुनना चाहिए,
कि उतना वो हमारे कॉन्शियसनेस को डैमेज करता है। और सनातन गोस्वामी एग्जांपल देते हैं, जैसे सांप जो है अगर मिल्क दूध को अगर टच कर लेता है तो सांप वो दूध जो है जहरीला हो जाता है, पर हमें जहर दिखता नहीं है। और अगर वो दूध को पिएंगे हम तो हमें ऐसा लगेगा ये तो बहुत नरिशिंग दूध है, बट उसका जो पॉइजनस इफेक्ट है वो बाद में आता है। सो या इस तरह से यस ब्रो पढ़िए हाईलाइट। वैदिक वाड़म में मानो ज्ञान का क्षीर सागर हो, जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रमाणिक विवरण मिलते हैं। और फिर नीचे वार्निंग भी देते प्रभुपाद। यस दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है तो यह पोषक नहीं रह जाता, उल्टे या मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी तरह जो लोग दृढ़ता से विष्णु परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें ना तो भागवत का व्यापार करना चाहिए और ना अनेका अनेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। सो नेक्स्ट श्लोक में कंटिन्यू परंपरा करते हुए बताते हैं कि सबसे पहले व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को बताया, सुखदेव गोस्वामी आगे फिर बताते हैं। सतुम सम श्रावयाम आस महाराजम परीक्षितम प्रायोपविष्टम गंगायाम परितम परमर्षि भी। यस पढ़िए अनुवाद। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, तो जब निर्मल था तो जब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। सो परपोर्ट में सॉरी अनुवाद में कुछ इस तरह से कि व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने फिर ये ग्रंथ परीक्षित महाराज को सुनाया, और परीक्षित महाराज ने कैसे सुना ये, गंगा के तट पे जब उनकी मृत्यु आने वाली थी और कुछ उन्होंने खाया पिया नहीं था, तो ये जब सुनते हैं नैमिषारण्य के ऋषि लोग तो प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों, परीक्षित महाराज के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मृत्यु आनी पड़ी और वो गंगा नदी पे उपवास के लिए बैठ गए। तो वो पूरा एपिसोड फिर आगे ये सूत गोस्वामी बताते हैं, पीछे के अध्याय में आता है आई थिंक 16, 17, 18, 19 लास्ट के चार अध्यायों में परीक्षित महाराज का वर्णन आता है, आई थिंक 15वें अध्याय में भी है। और परपोर्ट में जस्ट ब्रीफ समरी करते हैं प्रभुपाद के, ये शिष्य परंपरा से आ रहे हैं, परीक्षित महाराज के विषय में कुछ लिखते हैं और सारे ऋषि मुनिगण वो सब परीक्षित महाराज को जब पता चलता है कि उनकी मृत्यु आने वाली है तो वो सब कुछ राजपाट छोड़ के गंगा के तट पे बैठते हैं, और सारे ऋषि गण महामुनि होते हैं वहां पे एकत्रित होते हैं और परीक्षित महाराज उनसे एडवाइस करते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर कंक्लूजन ये आता है कि आपको श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, और उसी समय सुखदेव गोस्वामी की एंट्री होती है, उसी समय सुखदेव गोस्वामी की एंट्री होती है और फिर सुखदेव गोस्वामी से मिलते हैं और फिर वो डिसीजन लेते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कथा गाएंगे और बाकी सब सुनेंगे। और एक पॉइंट प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि शंकराचार्य के विषय में, कि शंकराचार्य ये बताते हैं कि जो वेदांत सूत्र है जो उन्होंने लिखा है वो वेदांत सूत्र किसी व्यक्ति को काम नहीं आएगा एट द एंड ऑफ द लाइफ, क्योंकि उसके अंदर फ्लावरी ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन दिए हैं, ऐसा शंकराचार्य प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं। इनडायरेक्टली यू नो शंकराचार्य एंड ऑफ द लाइफ वो ये एडमिट करते हैं इनडायरेक्टली कि मेरा ये वेदांत सूत्र जो मेरे द्वारा लिखा गया है वो किसी को मृत्यु के समय काम नहीं आने वाला है। जो असली वेदांत सूत्र है जो श्रीमद् भागवतम जो है
वो ही व्यक्ति को काम आएगा। और क्योंकि कैसा है कि मृत्यु के समय हमारा माइंड सबसे ज्यादा डिस्टर्ब रहता है और बहुत डिफिकल्ट होता है उस समय कृष्णा का चिंतन करना। तो और अगर कृष्णा का चिंतन नहीं हुआ तो फिर हमें फिर से अगला जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि माइंड मृत्यु के समय हमारे मन में वही सारे विचार आते हैं जो हमने पूरे जीवन काल में किए, और कष्ट भी बहुत होता है शरीर को। तो माइंड को एकदम फोकस करना कृष्णा के नामों के ऊपर, कृष्णा की लीला के ऊपर, स्पेशली मृत्यु के समय एक व्यक्ति के लिए बहुत 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 कठिन होता है। सो इसलिए श्रीमद् भागवतम का अगर वो आस्वादन करेगा थ्रू आउट द लाइफ तो उसके लिए इजी हो जाएगा। जैसे परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, एकदम माइंड के क्लियर कंसेप्ट, माइंड उनका पूरा क्लियर हो गया था एकदम, तब वो भगवान का स्मरण कर पाए और इजीली अपने मृत्यु को एक्सेप्ट कर पाए। तो ऐसे ही जब हम श्रीमद् भागवतम का बोनाफाइड वे से सुनते हैं, बोनाफाइड सोर्स से सुनते हैं, तब वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए जो प्रोफेशनल जो स्पीकर्स हैं जो श्रीमद् भागवतम पे कथा करते हैं, और जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं जो हरि भजन गाते हैं, हम देखते हैं कई बार कोई किसी के घर पे कोई मृत्यु हो जाती है तो प्रोफेशनल संगीतकार और भजन वाले आते हैं और वो कुछ भजन गाते हैं, तो इससे किसी को भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, न वहां जो आके लोग सुन रहे हैं उनका, जिसकी मृत्यु होगी उसका भी बेनिफिट नहीं होगा, ये सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ उनका। क्योंकि कृष्णा कभी भी अभक्त या किसी प्रोफेशनलिस्ट के थ्रू मैनिफेस्ट नहीं होते, वो भले एकदम मेलोडियसली गाएंगे और एकदम राग और सुर के साथ गाएंगे पर उसके अंदर कोई स्पिरिचुअल पोटेंसी नहीं है। वो बड़ी बड़ी कथाएं बोलेंगे, बड़े बड़ी फिलोसफी बोलेंगे, इसलिए वो जो शब्द बोल रहे हैं वो शब्द व्यक्ति के हृदय को परिवर्तन नहीं करता है, उस व्यक्ति के अंदर क्या चेतना है वो चेतना व्यक्ति के सुनने वाले व्यक्ति के हृदय पे टच करती है, शब्द टच नहीं करते, व्यक्ति की कॉन्शियसनेस सामने वाले के हृदय को परिवर्तन करती है। तो शुद्ध भक्ति कॉन्शियसनेस अगर वो प्योरली कृष्णा कॉन्शियस है, हमेशा कृष्णा का चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति के मुख से जब सुनते हैं तो उस वो जो जो वर्ड्स बोलते हैं उस व्यक्ति की चेतना भी उस वर्ड में आती है और वो जब सुनते हैं तो उसकी कॉन्शियसनेस पे इफेक्ट करता है। इवन अगर प्योर डिवोटी कुछ बोलता नहीं है, केवल उसकी प्रेजेंस से लोग इंस्पायर्ड हो जाते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, वो फिर भले कोई एक छोटा मोटा चुटकुला भी मार देगा ना, वो सुन के भी लोग भक्त बन जाएंगे, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस इतनी सैचुरेटेड होती है कृष्णा के लिए। जैसे प्रभुपाद एक दिन एक व्यक्ति डिसाइपल्स प्रभुपाद के बैठे थे और प्रभुपाद भी बैठे थे और एक नया व्यक्ति भी वहां के बैठा था, तो प्रभुपाद वहां पे ऑरेंजेस खा रहे थे, ऑरेंजेस का वो छिलका खोल के फिर ऑरेंजेस का एक फ्रूट लिया और उसमें जो भी जो बीज निकलता था वो सीधा मुंह से निकाल के उस डस्टबिन में डालते थे एक्यूरेटली, जितने बीज निकलते थे एक्यूरेटली उस डस्टबिन में डालते थे। तो वो जो नया व्यक्ति जो देख रहा था वो एकदम चौकन्ना हो गया और एकदम वो आश्चर्य में आ गया कि प्रभुपाद ऐसा कितना एक्यूरेटली कर रहे, एकदम प्रोजेक्टाइल होके उस डस्टबिन में डाल रहे बिना कहीं इधर उधर गिराए। तो ये देख के वो उस व्यक्ति ने डिसाइड किया मेरे को इनको अपना गुरु एक्सेप्ट करना है। सो इसलिए जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो उनकी प्रेजेंस से ही लोग के हृदय में परिवर्तन आ जाते हैं। तो कॉन्शियसनेस प्रीचर की इंपॉर्टेंट होती है, वर्ड्स नहीं। वो प्रीचर की अगर कॉन्शियसनेस अच्छी है तो सबको वो परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए कोई कितना बड़ा स्पीकर है और कितना बड़ा कैरिस्मेटिक वे से बोल रहा है, बड़ी स्किल्स के साथ लगा रहा है, वो एक्सटर्नल वे से लोगों को प्रभावित कर सकता है पर लोगों की चेतना को प्रभावित नहीं, चेंज नहीं कर पाएगा, नेगेटिव वे से प्रभावित करेगा, क्योंकि उसकी हृदय के अंदर की जो चेतना है पूरी भौतिकता है, वही भौतिकता ट्रांसमिट होती है लोगों के अंदर, हरी कथा के थ्रू वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो इस तरह से हमेशा हमें भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अवैष्णवों से नहीं सुने
और अभक्तों से नहीं सुने, किसी प्रोफेशनल कथाकार से कोई कृष्ण कथा नहीं सुने, सो इन दैट वेज ये है. तो तात्पर्य में ठीक है इसमें. ओके, सो 43, टेक्स्ट 43 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम का. कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशाम एष पुराणार्को अधुनोदितः. यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ. जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा. तो श्लोक को अगर हम समझें, कृष्णे स्वधामोपगते, भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए, धर्म ज्ञानादि भी सह, धर्म और ज्ञान के साथ अपने धाम चले गए कृष्णा. कलौ नष्ट दृशाम एषा, तो फिर भगवान अपने धाम में चले गए, धर्म और ज्ञान भी उनके साथ चला गया, तो कलयुग बढ़ गया. कलयुग के अंदर लोग जो है वो अपनी दृष्टि खो बैठे कि क्या सही क्या गलत. पुराण अर्को अधुनोदितः, तो इसलिए पुराण अर्को मतलब सूर्य, तब ये भागवतम सूर्य के समान अधुनोदितः उदित हुआ है. सो कृष्णा डिसअपियर हुए और फिर से अपियर हुए, अपने धाम गए और फिर से आ गए, पर आए तो कैसे आए, श्रीमद् भागवतम के रूप में. और ये श्रीमद् भागवतम सूर्य के समान तेजस्वी है. ये सुध गोस्वामी इसमें बताते हैं. प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि असली धर्म क्या है, भगवान को जानना, भगवान और उनके संबंध को जानना, और संबंध जानने के बाद हमारे अब क्या ड्यूटीज है, उस ड्यूटी का पालन करना और अल्टीमेटली भगवान के धाम जाना. पर जो कंडीशन सोल्स है, जो तत्व जीव आत्मा है, वो समझ नहीं पा रही है इस मैसेज को और इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं और कलयुग के अंदर ये और बढ़ते जा रहे हैं. और इंग्लिश में लिखते हैं प्रभुपाद के एक, इन कलयुग पॉपुलेशन इज जस्ट अ रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स, रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स. ऐसा हिंदी में यहाँ पर आता है, कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है, रॉयल एडिशन है पशुओं के. सो पशु जो करते हैं वो सब करते हैं मनुष्य, पर एडवांस लेवल पे करते हैं, आर निद्रा भय नैथुन ये सब. अब कृष्णा कलयुग के द्वापर युग के अंत में डिसअपियर हुए, और द्वापर युग के अंत में, सॉरी, कृष्णा कलयुग के द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए और कलयुग के प्रारंभ में डिसअपियर हुए. तो उस पीरियड में उन्होंने भगवत गीता कही, कई सारी अलग अलग प्रकार की लीलाएं की, धर्म की स्थापना की, और व्यास देव के थ्रू श्रीमद् भागवतम भी कंपाइल किया. तो इसलिए ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, ये दोनों बुक सबसे महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट प्रभुपाद लिखते हैं इसमें. यस, पढ़िए इसको. भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए. जब तक वे उपस्थित थे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया. उन्होंने विशेष रूप से भगवद गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया. इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया. इस प्रकार भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत ये दोनों ग्रंथ ही सुख के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है. दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए. इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा. भगवद गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है. श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है. अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व
एक प्रभु जी इंस्टॉल हाँ एक सेकंड यस वो प्रत्यक्ष करता हुआ मैं जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न है। जो श्रीमद् भागवतम को देख सकता है वो साक्षात कृष्ण को भी देख सकता है। सो इसलिए श्रीमद् भागवतम पढ़ के जो बेनिफिट हमें मिलेगा वो वही बेनिफिट मिलेगा जब आप कृष्ण से डायरेक्ट मिलेंगे गोलोक धाम में। तो इसलिए शुद्ध भक्त जब श्रीमद् भागवतम पढ़ता है उसको डिफरेंस नहीं लगता है कि वो इस मटेरियल वर्ल्ड में है या भगवान के साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। प्योर डिवोटीज की ये कॉन्शियसनेस रहती है। सो इसकी ये भागवतम स्वयं बोलता है उस भक्त के साथ जब उसको सिंसियरिटी के साथ पढ़ते हैं। उस पेजेस में भगवान कृष्ण के उसको दर्शन प्राप्त होते हैं जब वो पढ़ता है। सो पढ़ने का मतलब क्या श्रीमद् भागवतम कि उसको समझना गहराइयों से, उससे क्या प्रिंसिपल्स निकलते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना और उसको अपने जीवन में उतारना, ये है सिंसियर। तब उसको भगवान कृष्ण के दर्शन श्रीमद् भागवतम में होंगे। केवल पढ़ लिया, बस श्लोकों का उच्चारण कर लिया और ऊपर ऊपर से थियोरेटिकली समझ लिया, वैसा नहीं। उसको जीवन में आत्मसात करना, जीवन में उतारना अपने, वो इम्पोर्टेंट है। और तभी श्रीमद् भागवतम का हमें कृष्णा का दर्शन श्रीमद् भागवतम में हुआ। और ये पॉइंट हम तब कर सकते हैं जब हम किसी शुद्ध भक्त के मुख से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी के जो क्लासेस है श्रीमद् भागवतम के ऊपर उसे हमें रेगुलरली सुनना चाहिए। उन्होंने पूरे रियलाइजेशन अपने क्लासेस में कहे और या तो भागवतम में कई सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जो हमें बताते हैं कि भक्त जब इस परिस्थिति से गुजरता है, कोई भी सिचुएशन एक्स वाई जेड सिचुएशन अच्छी हो बुरी हो जो भी उससे गुजरता है, तो वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करता है, कैसे हर परिस्थिति में वो भगवान पे निर्भर रहता है। जैसे हम देखते हैं वासुदेव और देवकी का जब विवाह हो रहा था और इस विवाह के दौरान कंस देवकी को मारने जा रहा था, तो ये सिचुएशन वासुदेव को फेस करना पड़ा। वासुदेव स्वयं भगवान के पिता है, शुद्ध भक्त है वो भी, तभी तो भगवान के पिता बन सकते थे। तो उनको अभी ऐसी सिचुएशन आ गई, क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ गई। अगर वो कंस के साथ युद्ध करेंगे तो अंडर अरेस्ट हो जाएंगे, और अगर उस सिचुएशन से भागेंगे तो देवकी मर जाएगी। तो ना भाग सकते हैं ना युद्ध कर सकते हैं। सोचो उनके जीवन में ऐसा सिचुएशन आया। हम देखते हैं हमारे, हम जब ऑफिस में काम करते हैं स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो हमारा बॉस हमें बहुत चिल्लाता है। अगर हम सामने से चिल्लाएंगे तो हमें फायर कर देगा, और अगर हम वो सिचुएशन फेस नहीं करेंगे तो सैलरी काट देगा। क्या करें, सेम ऐसा ही कुछ, न फाइट कर सकते हैं ना फ्लाइट कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में श्रीमद् भागवतम हमको सिखाता है, और वासुदेव ने क्या किया वो हमें सीखना चाहिए और वो हमें अप्लाई करना चाहिए। तब हम समझेंगे कि भागवतम को कैसे अपने जीवन में उतारे। सो हम लोग कई सारी चीजें करते हैं अपने जीवन में, वी डू मेनी थिंग्स, और इंस्पाइट के हम वो एकदम सही चीज कर रहे हैं और फिर भी वो चीज अगर हमारे हिसाब से नहीं चले, तो क्या हम उसी चीज को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं? वो दृष्टिकोण हमें तब प्राप्त होता है जब हम कांस्टेंट श्रीमद् भागवतम के टच में रहेंगे, रेगुलरली जब इसको पढ़ेंगे। क्योंकि जो सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं अभी या पास्ट में कर चुके हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स किसी ने पास्ट में फेस किए हुए हैं और वो रिकॉर्ड हो चुका है श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को रेगुलर टच में हमें बनाने के लिए नित्यम भागवत सेवाया इसलिए कहा गया है। एवरीडे हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। या इन टेक्स्ट 44 लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्र विप्रशेर भूरि तेजस अहम चाद्य गमम तत्र
निविष्टस्तद अनुग्रहात् सो अहम् व श्रावयिष्यामि यथा धीतम् यथा मति। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। तो सुखदेव गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवतम जब वो बोल रहे थे, सुखदेव गोस्वामी किसको बोल रहे थे? परीक्षित महाराज को। तो वहां पे साथ में सूत गोस्वामी भी बैठे थे जो ये श्लोक बोल रहे हैं, वो व्यक्ति भी बैठा था उनके साथ, परीक्षित महाराज के साथ, और बोल रहे हैं कि मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना था वो क्लास सुखदेव गोस्वामी का, और उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। ये दूसरा पॉइंट। और मैंने आत्मसात किया, ये तीसरा पॉइंट। तो तीन पॉइंट है, अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा, सेकंड पॉइंट, और मैंने आत्मसात किया, थर्ड, तीसरा पॉइंट। सो इसलिए सूत गोस्वामी ने केवल सुना नहीं था, देखिए हम जब भी कोई चीज सुनते हैं तो सुपरफिशियली उसको सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं निकाल लेते हैं, माइंड को प्रोसेस नहीं करते हैं। बट यहाँ पे एक शब्द है, अगर आप संस्कृत में देखेंगे, निविष्ट, निविष्ट शब्द आता है। निविष्ट करना मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि बिजनेस में निवेश करो आप, इसमें इन्वेस्ट करो आप, तो निविष्ट मतलब क्या? सूत गोस्वामी ने अपने माइंड को इन्वेस्ट किया उस साउंड वाइब्रेशन, वो श्रीमद् भागवतम जो सुना, अपने माइंड को इन्वेस्ट किया उसमें, तब उसको वो एब्जॉर्ब कर पाए, अनुग्रहात कर पाए, तब उसको एक्सेप्ट कर पाए वो कृपा को। तो इसलिए निविष्ट शब्द का अर्थ क्या है कि सूत गोस्वामी ने वो भागवतम को प्रैक्टिकली पिया कानों से, कानों से उन्होंने श्रीमद् भागवतम को पिया था। सो ये पॉइंट परपोर्ट में लिखते हैं भोपाल इसमें ध्यान से, और एग्जैक्ट भागवतम को कितना ध्यान से सुनना चाहिए और ध्यान से कैसे सुने उसका रहस्य प्रभुपाद ओपन कर रहे हैं इस परपोर्ट में, कि भागवतम को कैसे ग्रहण करना चाहिए एकदम ध्यान पूर्वक। बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं पूरे श्रीमद् भागवतम के अंदर इस परपोर्ट में। सो यस रूप पढ़िए। यहाँ पर भागवत को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार शयन रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य ही हो सकते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भागवतम ध्यान से कौन सुन सकता है? जिसका मन शुद्ध है। और मन किसका शुद्ध होगा? जिसके कर्म शुद्ध होंगे। और कर्म किसका शुद्ध होगा? जो आहार निद्रा भय मैथुन जिसका शुद्ध होगा, तभी हम श्रीमद् भागवतम को ध्यान से सुन सकते हैं। सो स्टार्टिंग कहां से होता है? जब हम अपना आहार निद्रा भय मैथुन को शुद्ध करेंगे। आहार शुद्ध मतलब केवल भगवान का प्रसाद लेंगे। शयन मतलब कि उतना ही सोएंगे जितना आवश्यक है, अधिक सोना तमोगुण की निशानी है, और इसलिए सोएंगे हम ताकि हम अगले दिन उठ के भगवान की सेवा कर सके, वो एनर्जी रिगेन करके भगवान की सेवा कर सके, इसलिए हम सो रहे हैं। क्योंकि अगर मैं नहीं सोऊंगा तो अगले दिन मैं फ्रेश नहीं होऊंगा तो भगवान की सेवा कैसे कर पाऊंगा, इसलिए ही मैं सो रहा हूँ, अदरवाइज मेरा कोई पर्पस नहीं है और सोने का। सो ये बोलते हैं शुद्ध करना अपने शयन को। तो आहार शयन रक्षा के पूरा भगवान पे ही डिपेंड होना हमारे प्रोटेक्शन के लिए। जितना प्रैक्टिकल है उतना ही मैं चीजों को
एक्वायर करूंगा और बाकी पूरा टाइम भगवान पे निर्भर रहूंगा। और मैथुन है ना, जैसे वैराग्यों के लिए मैथुन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जो गृहस्थ है वो लोग इसलिए मैथुन करते हैं ताकि कृष्णा भक्ति में, ताकि वो कृष्णा भक्ति बच्चों को प्रजोत्पत्ति कर सके, अपने बच्चों को कृष्णा भक्त बना सके, इसलिए वो करते हैं ये एक्टिविटी। सो ये चार चीजें जब शुद्ध होगी तब उस व्यक्ति के कर्म शुद्ध होंगे, और जब उसके कर्म शुद्ध होंगे तो उसका मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तब वो सावधानी से श्रीमद् भागवतम को सुन सकता है विद रैप्ड अटेंशन, और फिर वो श्रीमद् भागवतम के पन्नों के अंदर भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से यू नो श्रीमद् भागवतम के अंदर कई सारे प्रैक्टिकल चीजें बताई है, और हर एक एक श्लोक के अंदर बहुत सारी गहराई है, हर एक एक श्लोक के अंदर बहुत सारी गहराई है। उसको वो गहराई में हम तभी उतर सकते हैं जब रैप्ड अटेंशन के साथ हम सुनेंगे, शुद्ध भक्तों के संग से सुनेंगे, और बहुत ध्यान पूर्वक इसका चिंतन मनन करेंगे। सो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं तीसरा अध्याय। नेक्स्ट टाइम हम चौथा अध्याय लेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स है, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आज का सेशन सुनने में, श्रीमद् भागवत कम का जो है आपने जिस प्रकार से बताया, और जो तात्पर्य में बहुत चीजें हैं जो डिटेल में समझने वाली हैं, मतलब भागवतम के उस मूड को समझने के लिए। तो yes. मैं इसके तात्पर्य को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करूंगा। मतलब अभी मैंने इस बार जो है थोड़ा सा तात्पर्य नहीं पढ़ा था, लेकिन बहुत चीजें जो है ना अभी इसमें समझने की है, तो वो मूड जो है वो क्रिएट होगा। मैं ये फेस भी करता हूँ, मतलब कि मैंने आपको पहले भी एक बार आपके साथ में शेयर किया था कि है ना किस प्रकार से भागवतम है ना घर में जो है पढ़ा जाता था, मतलब टीवी में जैसे देखते हैं ना 5-7 दिन का जैसा होता था, तो उसमें बड़ा अजीब लगता था, लेकिन क्लास के माध्यम से जैसे जैसे जानने का मौका मिल रहा है, समझने का मौका मिल रहा है, तो बहुत सारी चीजें जो है रिवील हो रही हैं। तो ये 5-6 जो श्लोक जो है ये वाकई में है ना ये और आत्मसात करने की जरूरत है कि कैसे हम भागवतम को है ना और डीपली हम समझे, है ना, भगवान का विग्रह रूप है। तो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण जी। यस चिराग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा ये सवाल था कि मतलब कि आत्मसात करना उसका क्या मतलब है? आत्मसात करने का अर्थ है कि जो भी आप पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम को, उसको हमारे जीवन में कैसे उतारे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भक्त का कभी इंसल्ट हो जाए तो श्रीमद् भागवतम में बताया कि हम उस इंसल्ट को उसको सहन करना चाहिए और भगवान पे डिपेंड रहना चाहिए। फिर हम जब ये पढ़ते हैं तो हमें इमेजिन करना चाहिए, अच्छा चलो अगर मेरा इंसल्ट हो जाए तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा। भागवतम क्या बोल रहा है, अच्छा ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, तो मैं अगली बार से ध्यान करूंगा कि इस तरह से मैं रिएक्ट करूं, रिस्पॉन्ड करूं। तो ये चिंतन को जब हम करते हैं और जब अप्लाई करते हैं उसको आत्मसात बोलते हैं। यस थैंक यू प्रभु। और कोई प्रश्न?